प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। सबने पाप किया है, उसी पुस्तक में आगे हम पढ़ते हैं, पाप की सजा है मृत्यु। यदि हम जिन्होंने इस शरीर में जन्म लिया है, यदि हमको शाश्वत जीवन चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ी अड़चन यह है कि मेरे और पाप के कारण मुझे और आपको जो सजा मिलनी चाहिए वो है मृत्यु। और यदि सजा मृत्यु के रूप में हमें मिलेगी तो हम जीवन कैसे पा सकते हैं? इसके लिए प्रभु यीशु ने मनुष्य रूप धारण करके एक निष्कलंक जीवन बिता के, प्रभु ने एक बार पूछा भी था, बोलो बताओ तुम में से कौन है जो मुझ पर किसी बात का दोष लगाता है। निष्कलंक जीवन बिताने के बाद प्रभु ने अपना जीवन सूली पर मेरे और आपके लिए अर्पित कर दिया। इस बलिदान को अक्सर यीशु का लहू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि आज से 6,000 साल पहले जब प्रभु ने मनुष्य को अदन नाम की वाटिका में रखा था, तब उससे कहा था कि देखो यहाँ खूब सारे फल के वृक्ष हैं, भूख के लिए उनको खाना। एक वृक्ष है जीवन का वृक्ष, उसका फल तुमको हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखेगा। एक और वृक्ष है, उसको मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ, मृत्यु का वृक्ष। प्रभु ने कहा था कि इसको हाथ मत, इसको खाना मत, खाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का लंघन किया, वर्जित वृक्ष का फल खाया, तुरंत वो आत्मिक रूप से मर गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद शारीरिक रूप से भी वो मर गया। जिसका मतलब यह है कि हम जो आदम की संतान है, यदि हमको नया जीवन चाहिए, शाश्वत जीवन चाहिए, तो हमारे स्थान पर कोई और व्यक्ति उसकी कीमत अदा कर दे। और इस तरह से मेरे आपके लिए कीमत अदा करने के लिए प्रभु यीशु संसार में पधारे थे। तो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु यीशु ने मेरे आपके पापों की जो सजा है, वो कीमत है, वो चुका दी। कैसे चुकाई? सूली पर के बलिदान के द्वारा। आप पूछेंगे कि एक व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति कीमत चुका सकता है क्या? चुका सकता है। मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक बार इस तरह से संडे इवनिंग की मीटिंग, आज से बहुत साल पहले की बात है, संडे इवनिंग की मीटिंग के बाद मैं, आंटी, उनकी बहन वगैरह मेरी गाड़ी में घर जा रहे थे। तो जाते जाते में किसी ने कहा कि आज तो होटल से थोड़ा सा केरला पराठा ले चलते हैं। तो वहाँ जो साउथ कड़मशेरी है, जहाँ मेरी जान पहचान है, एक होटल के सामने मैं खड़ा हो गया और ऑर्डर दिया, भैया इतने पराठे और इतनी करी जो है तुम बांध दो। तो उसने जैसे ही वो पैक कर रहा था, अचानक एक नंगा भूखा आदमी मेरे पास आया, हाथ जोड़ के उसने कहा कि मुझे एक पराठा दिला देंगे क्या?
क्यों मुझसे बोला? इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने पूछा एक पराठा, तो वो बोला कि हाँ एक पराठा काफ़ी है, लेकिन उसको देखने से तो पता चलता था कि वो पूरा होटल खा जाए तो भी उसकी भूख में संतोष नहीं होगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति 2 से 3 पराठे खाता है। मैंने होटल वाले से कहा कि इसको 1 3 या 4 पराठे बांध दो और उसके साथ सब्जी का एक पैकेट बांध दो। दुकानदार समझ गया भूखा वो है, देना उसको है, पैसा मैं चुकाऊंगा। तुरंत दुकानदार ने पैक करके उस आदमी को दे दिया। वो पैरों तक झुक के जो है उसको समझ गया कि उसने तो एक पराठा मांगा था, मैंने पराठे का पूरा बंडल और करी उसके लिए पैक करवाया है। झुक झुक के प्रणाम करके वो चला गया। उस आदमी के भूख के लिए उसको जो दिया गया उसकी कीमत मैंने अदा की। ये जीवन में एक सामान्य प्रैक्टिस है कि दूसरे के लिए हम कीमत अदा कर सकते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, जब मैं होटल वगैरह में जाता हूँ तो यदि कोई नंगा भूखा खड़ा है पैसा मांगता है तो अक्सर मैं होटल के सामने हो तो मैं पैसा नहीं देता, खाना दिलवाए देता। और कोविड सीज़न में तो ये बहुत हुआ था कि होटल के सामने जो है मांगने वालों की संख्या खूब रहती थी और अक्सर मैं उन सबको खाना खरीद के दे देता था। कीमत कौन चुका रहा है? खाना कौन खा रहा है? भूखे लोग। कीमत कौन चुका रहा है? मैं चुका रहा हूँ। इसी तरह से परमेश्वर के सामने मैं और आप अपने पाप की कीमत नहीं चुका सकते। इस कारण प्रभु यीशु ने मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया, देहावतार, देह धारण किया। देह धारण करके इस पृथ्वी पर इसलिए आए, जिस तरह से उस नंगे भूखे के पास पैसा नहीं है, उसी तरह से मैं और आप अपने पाप की कीमत अदा नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु इस दुनिया में एक निष्पाप मनुष्य के रूप में पधारे। ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया, इस दुनिया में आए, साढ़े 33 साल मनुष्य रूप में इस संसार में रहे, जिनमें आखिरी 3.5 साल उनका सेवा काल था। इस सेवा काल में प्रभु ने कई शिष्य चुने, पहले 12 शिष्य चुने, उसके बाद 70 शिष्य सुने, उसके बाद जो जो उनकी वाणी सुनने के लिए तैयार था उन सबको अपनी शिक्षाएं दी, उन सबको बताया कि देखो मैं इस संसार में जो आया हूँ ये तुम लोगों के पाप की सजा चुकाने के लिए आया हूँ। जिस तरह से हम एक भूखे व्यक्ति के लिए उसके भोजन की कीमत अदा कर सकते हैं, चाहे तो अदा कर सकते हैं, उसी तरह से प्रभु यीशु पृथ्वी पर आए मेरे और आपके पापों की सजा चुकाने के लिए। सूली पर प्रभु की मृत्यु जो है वो कोई अकस्मात नहीं हुई थी, ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ। यहूदियों ने उनकी हत्या जरूर करवा दी थी, लेकिन ये सब अपने आप नहीं हुआ। यह प्रभु की योजना थी कि प्रभु यीशु मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य के रूप में पवित्र जीवन बिताएंगे। पवित्र जीवन बिताने के बाद सूली पर मनुष्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर देंगे। तो जब ये पद कहता है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, तो ये पद हमको याद दिला रहा है कि प्रभु यीशु ने सूली पर आपके लिए और मेरे लिए अपना जीवन अर्पित किया, और इस तरह से पाप की जो सजा थी मृत्यु, उस सजा को एक निर्दोष व्यक्ति ने, मैं और आप निर्दोष नहीं हैं, हम तो पैदाइशी पापी हैं। किसी छोटे बच्चे के बारे में उसके माँ बाप से पूछे कि बच्चा कभी शरारत करता है क्या,
तो माँ बाप कहेंगे कि अरे सर सिर्फ शरारत करता है, बाकी तो कुछ नहीं करता। आज मैं आशीष की टांग नहीं खींचूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब पूछा कि क्यों तुम शरारत करते हो, तो खिसिया नहीं हंसती हंसी हंसते हुए बैठा रहा, इसलिए आज मास्क लगा के आया है, जिससे कि मैं उसकी टांग खींचूं तो किसी को पता ना चले कि चेहरे पे क्या आव भाव आ रहे जा रहे। जितने लोगों ने बच्चे पाले हैं वे सब इस बात को जानते हैं कि बच्चे गलती करते हैं। माँ बाप कितना भी उनसे कहें कि बेटा ऐसा ना करना, तो अभी वो करते हैं। इसका कारण मैंने भी दो बच्चे पाले हैं, मेरे बच्चे तो जलेबी के समान सीधे थे, तो मैं भी जानता हूँ क्यों। मैं तो इमरती के समान सीधा था, वो जलेबी से भी ज़्यादा टेढ़ा होता है। मनुष्य के अंदर एक पाप का स्वभाव है, वो पाप का स्वभाव उसको पाप करने के लिए मजबूर करता है, उस पाप की सजा है मृत्यु। इस सारे विश्व में सिर्फ एक व्यक्ति ने जन्म लिया जिसमें किसी तरह का कोई पाप नहीं था, वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर में किसी तरह का पाप नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लिया, इसलिए प्रभु मेरे आपके लिए अपना जीवन दे सके थे। क्योंकि जो व्यक्ति सजा चुका था उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए चुकाने की। मेरी जेब में पैसे थे इसीलिए तो मैं उस भूखे को खाना खिला सका। उसी तरह से जो मेरे आपके लिए जीवन देने को तैयार हो उसको निर्दोष होना है। यदि वो दोषी है तो पहले वो अपनी सजा तो भुगत ले, और वो सजा शाश्वत है तो वो भुगत के फिर दूसरे का क्या जो है, दूसरे की सजा क्या भुगतेगा। लेकिन प्रभु यीशु ने जब मनुष्य रूप धारण किया, निष्पाप थे, प्रभु ने ही पूछा कौन है जो मुझ पर दोष लगाता है, कोई जवाब नहीं दे पाया। उस प्रभु ने बार 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 ये बात कही थी कि बच्चों बेटों तुम लोगों के लिए मैं अपना जीवन अर्पित करूँगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 35.5 साल की उम्र में फाइनली प्रभु यीशु ने सूली पर अपना जीवन त्याग दिया। प्रभु यीशु ने सूली पर अपना जीवन जो त्यागा उसकी कहानी ये जो पुस्तक है इसके शुरू की 4 पुस्तकों में हमें मिलता है। ये जो महान ग्रंथ है ये 27 अलग अलग ग्रंथों में बटा हुआ है। उसमें शुरू के जो 4 ग्रंथ हैं ये 4 ग्रंथ प्रभु यीशु की जीवनी है। इन 4 जीवनियों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी घटना का सिर्फ एक हिस्सा लिखता है। तो इस महान ग्रंथ में शुरू के 4 पुस्तक आप पढ़ेंगे, तब इन 4 पुस्तकों में प्रभु यीशु ने सूली पर अपना जीवन बलिदान किया उसके 4 अलग अलग लोगों से हमको वर्णन मिलता है। इन वर्णनों को जब हम पढ़ते हैं, तब पिछले हफ्ते मैंने आपको याद दिलाया था, हम देखते हैं कि सूली पर प्रभु ने 7 बातें कही थी, जिसमें सबसे आखिरी बात थी, हे पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में अर्पित करता हूँ। लेकिन उसके पहले प्रभु ने जो 6 वाक्य बोले थे उसमें से एक था पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? हिंदी में 2 शब्द हैं। जिस भाषा में प्रभु यीशु ने बोला था उस भाषा में 1 शब्द है जिसका हिंदी में 2 शब्दों में अनुवाद हुआ है। पूरा हुआ का क्या मतलब है? पूरा हुआ का मतलब यह है कि सहस्त्रों सालों से मनुष्य पाप में जीवन बिता रहा है, उसको शाश्वत जीवन की जरूरत है, लेकिन वो अपने स्वयं के प्रयत्न से शाश्वत जीवन नहीं पा सकता है,
लेकिन इस पृथ्वी पर आके 35.5 साल जीवन बिता के इस सूली पर उस मनुष्य के लिए अपना जीवन देने के द्वारा मैंने उसके उद्धार का काम पूरा किया, उसकी मुक्ति का काम पूरा किया, उसको शाश्वत जीवन देने का काम पूरा किया। जिस समय प्रभु यीशु ने कहा कि पूरा हुआ, उस समय मेरे आपके लिए, मुझे आपको शाश्वत जीवन देने के लिए प्रभु इस दुनिया में पधारे थे, वो कार्य पूरा हुआ। वो कार्य सूली पर पूरा हो गया, इस कारण प्रभु यीशु का लहू हम सबको पापों से शुद्ध करता है। आज जितने भाई और बहन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सबसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं जो श्लोक या कविता बार बार सुनाता हूँ, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, राजा का मतलब बादशाह, रंक मतलब जो नंगा भूखा है, फकीर जिसने सब कुछ त्याग दिया है, सारी दुनिया में इन तीनों के अलावा और कोई नहीं है। जरा बताएं, इस दुनिया में ऐसा कोई राजा हुआ है क्या जो कभी दुनिया को छोड़ के नहीं गया? कहते हैं कि नेपोलियन जो विश्व विजय का सपना देख रहा था, कहते हैं, इतिहास है या नहीं मुझे नहीं मालूम, नेपोलियन ने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे तुम लोग एक ताबूत के अंदर रखोगे ना, तो मेरे दोनों हाथ ताबूत के अंदर कर देना। लोगों ने पूछा, हे प्रभु, आपके दोनों हाथ ताबूत के अंदर क्यों रख, बाहर क्यों रखना है? तो नेपोलियन का जवाब था, जिससे सब लोग इस बात को जान सके, खाली हाथ में आया, खाली हाथ में जा रहा हूँ। विश्व विजेता बनने का सपना जिसने देखा था, वो कह रहा है मैं खाली हाथ आया, खाली हाथ आया, इसमें तो कोई ताज्जुब नहीं, खाली हाथ जा रहा हूँ। आया है सो जाएगा, नेपोलियन भी जो है अपने आप को मृत्यु से नहीं बचा पाया। आपके अड़ोस पड़ोस में कंगाल लोग जो है, उनको मरते हुए तो आपने देखा होगा। फकीर, हिंदुस्तान में बहुत सारे फकीर लोग हैं, वे लोग शाश्वत जीवन हमेशा जीवित रहते हैं क्या? नहीं। कई फेमस फकीर, मेरे शहर में कई फेमस फकीरों की जब मृत्यु हुई, तब जो है उनका शरीर सारे शहर में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन से हमको क्या जानकारी मिली कि फकीर के पास शाश्वत जीवन था क्या? नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो मुझे और आपको कल जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे, सवाल यह है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज शाम को मैं पूछना चाहता हूँ, जब इस संसार को हम छोड़ जाएंगे, तब आप कहाँ जाएंगे? मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो ये प्रश्न रोज जो है मुंह खोले खड़ा है मेरे सामने। आप जानते हैं मैं 70 साल का हो गया हूँ, और हर बार जब खांसी जुकाम होता है, जरा सी चीज़ है खांसी जुकाम, तो हालत बड़ी ख़राब होती है और लगता है कि मनुष्य जीवन देखो कितना क्षण भंगुर है। हिंदी में भंगुर का मतलब है जो टूट के 1000 टुकड़े हो जाता है। क्षण भंगुर का मतलब एक जीवन जिसको छिन्न भिन्न होने में सिर्फ एक क्षण की जरूरत है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम सब का जीवन क्षण भंगुर है, और इस कारण जो प्रश्न आज शाम को हम सबको सोचना है, वो ये है कि जब मैं इस जीवन को छोड़ जाऊंगा, तब कहाँ जाऊंगा, किसकी उपस्थिति में रहूंगा। मैंने अपने जीवन के बारे में तो इसका जवाब दिया था, मैंने बताया था कि आज से लगभग 55 साल पहले मेरे पापा ने मुझे बताया, बेटा प्रभु यीशु ने सूली पर तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया। मैंने वहीं घुटने टेक कर कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए अपना जीवन बलिदान किया, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, मुझे पापों से क्षमा दीजिए। इस सभा में ऐसे कई भाई हैं, ऐसी कई बहनें हैं जिन्होंने अपने जीवन में इसी तरह से प्रभु के सामने घुटने टेक कर कहा कि प्रभु मैं पापी हूँ, आपने मेरे लिए अपना बलिदान दिया, मुझे पाप से क्षमा प्रदान कीजिए।
उन सब के जीवन में वही खुशी है जो मेरे जीवन में है। इस कारण आज संध्या मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में वो खुशी है क्या, वो शांति है क्या? मुझे मालूम है यदि मैं आज इस संसार को छोड़ जाऊँगा, आया है सो जाएगा, आया हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे शाश्वत जीवन मिलेगा। उसी तरह से आपको इस बात की गारंटी है क्या? नहीं है तो इस बात का निश्चय कर लें। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस नए जीवन को पाया है, उन लोगों से मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि छठा पद यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। हम में से कितने लोग अपने आत्मिक जीवन के बारे में तमाम दावे करते हैं लेकिन जो हमारे जीवन को देखते हैं वे हंसते हैं। मेरा जीवन ऐसा है क्या, आपका जीवन ऐसा है क्या? हम में से जिन्होंने इस शाश्वत जीवन को पाया है, हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन को एक बार और जांचे। कल को आप गुजर जाएं, आपके पड़ोस में आके यदि कोई पूछे कि फलाना व्यक्ति यहाँ रहता था क्या, रहता है क्या, था नहीं, रहता है क्या, तो आपके पड़ोसी क्या, अरे वो चला गया, अच्छा हुआ कि चला गया, इस देश को बड़ी शांति मिली, ऐसा बोलेंगे या ये बोलेंगे कि बहुत भला आदमी था, बहुत भली स्त्री थी, उसने हमेशा दूसरों की भलाई की सोची, वो चला गया चली गई, भाई साहब हमको तो बहुत नुकसान हुआ, क्या जवाब देंगे? इन बातों को सोचने और अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। भाई संतोष आकर प्रार्थना में इस सभा को क्लोज करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु हम सबको आशीष दे। जो यहाँ पे आए हुए नए भाई लोग, हम लोग कितने लोग खुशी हैं, जिस तरह जो हमारे पिता श्री हमेशा खुशी में रहते हैं, मैं हमेशा कभी भी फ़ोन करता हूँ लास्ट में ज़रूरी पूछ लेता हूँ, पिता श्री थोड़ा हंस देंगे तो बहुत खुशी मिलती है। तो क्या हम खुश हैं? जो हमारे भाई बीच में हैं, जो कलकत्ता के हैं, जो मैंने पहली बार देखा है, उनको कितनी खुशी होगी हमसे ज़्यादा? अगर हम जितना ही भी खुशी रहेंगे उतना ही हमें आनंदित मिलता है। आज कितने लोग इस देश में भूखे लोग हैं, भूखे यानी वो एक नवरात्रि शुरू होता है, हमारे रूम के बगल में भी है, वो लोग सुबह से भी इतना कुछ खाए नहीं। मैं इनको पूछा कि क्या आपको भूखे रहने से क्या आपको जो देवी है वो दे देते हैं क्या? वो बोलते कुछ भी। सब ने पाप किया है, उसी पुस्तक में आगे हम पढ़ते हैं पाप की सजा है मृत्यु। यदि हम जिन्होंने इस शरीर में जन्म लिया है यदि हमको शाश्वत जीवन चाहिए तो उसमें सबसे बड़ी अड़चन ये है कि मेरे और पाप के कारण मुझे और आपको जो सजा मिलनी चाहिए वो है मृत्यु। और यदि सजा मृत्यु के रूप में हमें मिलेगी तो हम जीवन कैसे पा सकते हैं? इसके लिए प्रभु यीशु ने मनुष्य रूप धारण करके एक निष्कलंक जीवन बिता के, प्रभु ने एक बार पूछा भी था, बोलो बताओ तुम में से कौन है जो मुझ पर किसी बात का दोष लगाता है? निष्कलंक जीवन बिताने के बाद प्रभु ने अपना जीवन सूली पर मेरे और आपके लिए अर्पित कर दिया। इस बलिदान को अक्सर यीशु का लहू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि आज से 6,000 साल पहले जब प्रभु ने मनुष्य को अदन नाम की वाटिका में रखा था
तब उससे कहा था कि देखो यहाँ खूब सारे फल के वृक्ष हैं, भूख के लिए उनको खाना। एक वृक्ष है जीवन का वृक्ष, उसका फल तुमको हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखेगा। एक और वृक्ष है, उसको मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ मृत्यु का वृक्ष। प्रभु ने कहा था कि इसको हाथ मत, इसको खाना मत, खाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का लंघन किया, वर्जित वृक्ष का फल खाया, तुरंत वो आत्मिक रूप से मर गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद शारीरिक रूप से भी वो मर गया। जिसका मतलब यह है कि हम जो आदम की संतान है, यदि हमको नया जीवन चाहिए, शाश्वत जीवन चाहिए, तो हमारे स्थान पर कोई और व्यक्ति उसकी कीमत अदा कर दे। और इस तरह से मेरे आपके लिए कीमत अदा करने के लिए प्रभु यीशु संसार में पधारे थे। तो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु यीशु ने मेरे आपके पापों की जो सजा है, वो कीमत है, वो चुका दी। कैसे चुकाई? सूली पर के बलिदान के द्वारा। आप पूछेंगे कि एक व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति कीमत चुका सकता है क्या? चुका सकता है। मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक बार इस तरह से संडे इवनिंग की मीटिंग, आज से बहुत साल पहले की बात है, संडे इवनिंग की मीटिंग के बाद मैं, आंटी, उनकी बहन वगैरह मेरी गाड़ी में घर जा रहे थे। तो जाते जाते मैं, किसी ने कहा कि आज तो होटल से थोड़ा सा केरला पराठा ले चलते हैं। तो वहाँ जो साउथ कड़मशेरी है, जहाँ मेरी जान पहचान है, एक होटल के सामने मैं खड़ा हो गया और ऑर्डर दिया, भैया इतने पराठे और इतनी करी जो है तुम बांध दो। तो उसने जैसे ही वो पैक कर रहा था, अचानक एक नंगा भूखा आदमी मेरे पास आया, हाथ जोड़ के उसने कहा कि मुझे एक पराठा दिला देंगे क्या? क्यों मुझसे बोला? इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने पूछा एक पराठा, तो वो बोला कि हाँ एक पराठा काफ़ी है। लेकिन उसको देखने से तो पता चलता था कि वो पूरा होटल खा जाए तो भी उसकी भूख में संतोष नहीं होगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति 2 से 3 पराठे खाता है। मैंने होटल वाले से कहा कि इसको एक 3 या 4 पराठे बांध दो और उसके साथ सब्जी का एक पैकेट बांध दो। दुकानदार समझ गया भूखा वो है, देना उसको है, पैसा मैं चुकाऊंगा। तुरंत दुकानदार ने पैक करके उस आदमी को दे दिया। वो पैरों तक झुक के जो है उसको समझ गया कि उसने तो एक पराठा मांगा था, मैंने पराठे का पूरा बंडल और करी उसके लिए पैक करवाया है। झुक झुक के प्रणाम करके वो चला गया। उस आदमी के भूख के लिए उसको जो दिया गया उसकी कीमत मैंने अदा की। ये जीवन में एक सामान्य प्रैक्टिस है कि दूसरे के लिए हम कीमत अदा कर सकते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, जब मैं होटल वगैरह में जाता हूँ तो यदि कोई नंगा भूखा खड़ा है, पैसा मांगता है, तो अक्सर मैं होटल के सामने हो तो मैं पैसा नहीं देता, खाना दिलवाए देता। और कोविड सीज़न में तो ये बहुत हुआ था कि होटल के सामने जो है मांगने वालों की संख्या खूब रहती थी और अक्सर मैं उन सबको खाना खरीद के दे देता था। कीमत कौन चुका रहा है? खाना कौन खा रहा है? भूखे लोग। कीमत कौन चुका रहा है? मैं चुका रहा हूँ। इसी तरह से परमेश्वर के सामने मैं और आप अपने पाप की कीमत नहीं चुका सकते। इस कारण प्रभु यीशु ने मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया, देहावतार, देह धारण किया। देह धारण करके इस पृथ्वी पर इसलिए आए, जिस तरह से उस नंगे भूखे के पास
पैसा नहीं है, उसी तरह से मैं और आप अपने पाप की कीमत अदा नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु इस दुनिया में एक निष्पाप मनुष्य के रूप में पधारे। ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया, इस दुनिया में आए, साढ़े 33 साल मनुष्य रूप में इस संसार में रहे, जिनमें आखिरी 3.5 साल उनका सेवा काल था। इस सेवा काल में प्रभु ने कई शिष्य चुने, पहले 12 शिष्य चुने, उसके बाद 70 शिष्य सुने, उसके बाद जो जो उनकी वाणी सुनने के लिए तैयार था उन सबको अपनी शिक्षाएं दी, उन सबको बताया कि देखो मैं इस संसार में जो आया हूँ ये तुम लोगों के पाप की सजा चुकाने के लिए आया हूँ। जिस तरह से हम एक भूखे व्यक्ति के लिए उसके भोजन की कीमत अदा कर सकते हैं, चाहे तो अदा कर सकते हैं, उसी तरह से प्रभु यीशु पृथ्वी पर आए मेरे और आपके पापों की सजा चुकाने के लिए। सूली पर प्रभु की मृत्यु जो है वो कोई अकस्मात नहीं हुई थी, ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ। यहूदियों ने उनकी हत्या जरूर करवा दी थी, लेकिन ये सब अपने आप नहीं हुआ, यह प्रभु की योजना थी कि प्रभु यीशु मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य के रूप में पवित्र जीवन बिताएंगे। पवित्र जीवन बिताने के बाद सूली पर मनुष्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर देंगे। तो जब ये पद कहता है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, तो ये पद हमको याद दिला रहा है कि प्रभु यीशु ने सूली पर आपके लिए और मेरे लिए अपना जीवन अर्पित किया, और इस तरह से पाप की जो सजा थी मृत्यु, उस सजा को एक निर्दोष व्यक्ति ने, मैं और आप निर्दोष नहीं हैं, हम तो पैदाइशी पापी हैं। किसी छोटे बच्चे के बारे में उसके माँ बाप से पूछे कि बच्चा कभी शरारत करता है क्या, तो माँ बाप कहेंगे कि अरे सर सिर्फ शरारत करता है, बाकी तो कुछ नहीं करता। आज मैं आशीष की टांग नहीं खींचूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब पूछा कि क्यों तुम शरारत करते हो, तो खिसिया नहीं हंसती हंसी हंसते हुए बैठा रहा, इसलिए आज मास्क लगा के आया है जिससे कि मैं उसकी टांग खींचूं तो किसी को पता ना चले कि चेहरे पे क्या आव भाव आ रहे जा रहे। जितने लोगों ने बच्चे पाले हैं वे सब इस बात को जानते हैं कि बच्चे गलती करते हैं। माँ बाप कितना भी उनसे कहें कि बेटा ऐसा ना करना, तो अभी वो करते हैं। इसका कारण, मैंने भी 2 बच्चे पाले हैं, मेरे बच्चे तो जलेबी के समान सीधे थे, तो मैं भी जानता हूँ क्यों। मैं तो इमरती के समान सीधा था, वो जलेबी से भी ज़्यादा टेढ़ा होता है। मनुष्य के अंदर एक पाप का स्वभाव है, वो पाप का स्वभाव उसको पाप करने के लिए मजबूर करता है, उस पाप की सजा है मृत्यु। इस सारे विश्व में सिर्फ एक व्यक्ति ने जन्म लिया जिसमें किसी तरह का कोई पाप नहीं था, वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर में किसी तरह का पाप नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लिया, इसलिए प्रभु मेरे आपके लिए अपना जीवन दे सके थे, क्योंकि जो व्यक्ति सजा चुकाता उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए चुकाने की। मेरी जेब में पैसे थे इसीलिए तो मैं उस भूखे को खाना खिला सका, उसी तरह से जो मेरे आपके लिए जीवन देने को तैयार हो उसको निर्दोष होना है। यदि वो दोषी है तो पहले वो अपनी सजा तो भुगत ले,
और वो सजा शाश्वत है, तो वो भुगत भुगत के फिर दूसरे का क्या जो है, दूसरे की सजा क्या भुगतेगा। लेकिन प्रभु यीशु ने जब मनुष्य रूप धारण किया, निष्पाप थे, प्रभु ने ही पूछा कौन है जो मुझ पर दोष लगाता है, कोई जवाब नहीं दे पाया। उस प्रभु ने बार 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 ये बात कही थी कि बच्चों बेटों तुम लोगों के लिए मैं अपना जीवन अर्पित करूँगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 35.5 साल की उम्र में फाइनली प्रभु यीशु ने सूली पर अपना जीवन त्याग दिया। प्रभु यीशु ने सूली पर अपना जीवन जो त्यागा, उसकी कहानी ये जो पुस्तक है इसके शुरू की 4 पुस्तकों में हमें मिलता है। ये जो महान ग्रंथ है ये 27 अलग अलग ग्रंथों में बटा हुआ है। उसमें शुरू के जो 4 ग्रंथ हैं, ये 4 ग्रंथ प्रभु यीशु की जीवनी है। इन 4 जीवनियों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी घटना का सिर्फ एक हिस्सा लिखता है। तो इस महान ग्रंथ में शुरू के 4 पुस्तक आप पढ़ेंगे, तब इन 4 पुस्तकों में प्रभु यीशु ने सूली पर अपना जीवन बलिदान किया, उसके 4 अलग अलग लोगों से हमको वर्णन मिलता है। इन वर्णनों को जब हम पढ़ते हैं, तब पिछले हफ्ते मैंने आपको याद दिलाया था, हम देखते हैं कि सूली पर प्रभु ने 7 बातें कही थी, जिसमें सबसे आखिरी बात थी, हे पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में अर्पित करता हूँ। लेकिन उसके पहले प्रभु ने जो 6 वाक्य बोले थे, उसमें से एक था पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? हिंदी में 2 शब्द हैं। जिस भाषा में प्रभु यीशु ने बोला था, उस भाषा में 1 शब्द है जिसका हिंदी में 2 शब्दों में अनुवाद हुआ है। पूरा हुआ का क्या मतलब है? पूरा हुआ का मतलब यह है कि सहस्त्रों सालों से मनुष्य पाप में जीवन बिता रहा है, उसको शाश्वत जीवन की जरूरत है, लेकिन वो अपने स्वयं के प्रयत्न से शाश्वत जीवन नहीं पा सकता है। लेकिन इस पृथ्वी पर आके 35.5 साल जीवन बिता के इस सूली पर उस मनुष्य के लिए अपना जीवन देने के द्वारा मैंने उसके उद्धार का काम पूरा किया, उसकी मुक्ति का काम पूरा किया, उसको शाश्वत जीवन देने का काम पूरा किया। जिस समय प्रभु यीशु ने कहा कि पूरा हुआ, उस समय मेरे आपके लिए, मुझे आपको शाश्वत जीवन देने के लिए प्रभु इस दुनिया में पधारे थे, वो कार्य पूरा हुआ। वो कार्य सूली पर पूरा हो गया, इस कारण प्रभु यीशु का लहू हम सबको पापों से शुद्ध करता है। आज जितने भाई और बहन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सबसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं जो श्लोक या कविता बार बार सुनाता हूँ, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, राजा का मतलब बादशाह, रंक मतलब जो नंगा भूखा है, फकीर जिसने सब कुछ त्याग दिया है, सारी दुनिया में इन 3 के अलावा और कोई नहीं है। जरा बताएं, इस दुनिया में ऐसा कोई राजा हुआ है क्या जो कभी दुनिया को छोड़ के नहीं गया? कहते हैं कि नेपोलियन जो विश्व विजय का सपना देख रहा था, कहते हैं, इतिहास है या नहीं मुझे नहीं मालूम, नेपोलियन ने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे तुम लोग एक ताबूत के अंदर रखोगे ना, तो मेरे दोनों हाथ ताबूत के अंदर कर देना। लोगों ने पूछा, हे प्रभु आपके दोनों हाथ ताबूत के अंदर क्यों रख बाहर क्यों रखना है? तो नेपोलियन का जवाब था, जिससे सब लोग इस बात को जान सके, खाली हाथ में आया खाली हाथ में जा रहा हूँ। विश्व विजेता बनने का सपना जिसने देखा था, वो कह रहा है मैं खाली हाथ आया, खाली हाथ आया इसमें तो कोई ताज्जुब नहीं, खाली हाथ जा रहा हूँ। आया है सो जाएगा, नेपोलियन भी जो है
अपने आप को मृत्यु से नहीं बचा पाया। आपके अड़ोस पड़ोस में कंगाल लोग जो है उनको मरते हुए तो आपने देखा होगा। फकीर हिंदुस्तान में बहुत सारे फकीर लोग हैं, वे लोग शाश्वत जीवन हमेशा जीवित रहते हैं क्या? नहीं। कई फेमस फकीर, मेरे शहर में कई फेमस फकीरों की जब मृत्यु हुई तब जो है उनका शरीर सारे शहर में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन से हमको क्या जानकारी मिली कि फकीर के पास शाश्वत जीवन था क्या? नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो मुझे और आपको कल जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? सवाल यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज शाम को मैं पूछना चाहता हूँ। जब इस संसार को हम छोड़ जाएंगे तब आप कहाँ जाएंगे? मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो ये प्रश्न रोज जो है मुंह खोले खड़ा है मेरे सामने। आप जानते हैं मैं 70 साल का हो गया हूँ और हर बार जब खांसी जुकाम होता है, जरा सी चीज़ है खांसी जुकाम, तो हालत बड़ी ख़राब होती है और लगता है कि मनुष्य जीवन देखो कितना क्षण भंगुर है। हिंदी में भंगुर का मतलब है जो टूट के हजार टुकड़े हो जाता है। क्षण भंगुर का मतलब एक जीवन जिसको छिन्न भिन्न होने में सिर्फ एक क्षण की जरूरत है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम सब का जीवन क्षण भंगुर है और इस कारण जो प्रश्न आज शाम को हम सबको सोचना है वो ये है कि जब मैं इस जीवन को छोड़ जाऊंगा तब कहाँ जाऊंगा, किसकी उपस्थिति में रहूंगा। मैंने अपने जीवन के बारे में तो इसका जवाब दिया था। मैंने बताया था कि आज से लगभग 55 साल पहले मेरे पापा ने मुझे बताया, बेटा प्रभु यीशु ने सूली पर तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया। मैंने वहीं घुटने टेक कर कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए अपना जीवन बलिदान किया, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, मुझे पापों से क्षमा दीजिए। इस सभा में ऐसे कई भाई हैं, ऐसी कई बहनें हैं जिन्होंने अपने जीवन में इसी तरह से प्रभु के सामने घुटने टेक कर कहा कि प्रभु मैं पापी हूँ, आपने मेरे लिए अपना बलिदान दिया, मुझे पाप से क्षमा प्रदान कीजिए। उन सब के जीवन में वही खुशी है जो मेरे जीवन में है। इस कारण आज संध्या मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में वो खुशी है क्या? वो शांति है क्या? मुझे मालूम है यदि मैं आज इस संसार को छोड़ जाऊँगा, आया है सो जाएगा, आया हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे शाश्वत जीवन मिलेगा। उसी तरह से आपको इस बात की गारंटी है क्या? नहीं है तो इस बात का निश्चय कर लें। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस नए जीवन को पाया है, उन लोगों से मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि छठा पद यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। हम में से कितने लोग अपने आत्मिक जीवन के बारे में तमाम दावे करते हैं लेकिन जो हमारे जीवन को देखते हैं वे हंसते हैं। मेरा जीवन ऐसा है क्या? आपका जीवन ऐसा है क्या? हम में से जिन्होंने इस शाश्वत जीवन को पाया है, हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन को एक बार और जांचे। कल को आप गुजर जाएं, आपके पड़ोस में आके यदि कोई पूछे कि फलाना व्यक्ति यहाँ रहता था क्या, रहता है क्या, था नहीं, रहता है क्या, तो आपके पड़ोसी क्या, अरे वो चला गया, अच्छा हुआ कि चला गया, इस देश को बड़ी शांति मिली, ऐसा बोलेंगे या ये बोलेंगे कि बहुत भला आदमी था, बहुत भली स्त्री थी, उसने हमेशा दूसरों की भलाई की सोची, वो चला गया चली गई, भाई साहब हमको तो बहुत नुकसान हुआ, क्या जवाब देंगे? इन बातों को सोचने और अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। भाई संतोष आकर प्रार्थना में इस सभा को क्लोज करेंगे।
प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।